तो सुमान का जो हैशटैग है उसका एग्जिस्टेंस अब क्या लगभग खत्म हो चुका है, मतलब उनका जो अस्तित्व है। सुम्बुल तौकीर खान और फमान खान के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। सुम्बुल और फमान का जो एक इक्वेशन था, एक जो बॉन्डिंग थी, जो फैंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती थी। सुमान हैशटैग इतना ज़्यादा फेमस रहा है, इतना ज़्यादा वायरल रहा है कि सुमान को हर जगह लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। चाहे वो उनके शो इमली के टाइम से हो, या इमली के टाइम पे हो, या फिर वो बिग बॉस के टाइम पर भी हो। मतलब जब फमान खान एक दिन के लिए भी बिग बॉस के घर के अंदर गए थे, तब भी सुमान हैशटैग, और वो आज तक के, मतलब उस सीज़न का वो जो एपिसोड है वो हाईएस्ट टीआरपी वाला एपिसोड रहा है, जब फमान खान की एंट्री हुई थी बिग बॉस के घर के अंदर एक दिन के लिए। तो जो सुमान का अब जो एग्जिस्टेंस है, अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि क्या उसका एग्जिस्टेंस अब लगभग ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब जो फैंस की होप्स हैं, अब जो फैंस की उम्मीदें थीं, वो अब धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही हैं कि सुम्बुल और फमान जो है अब कभी भी साथ में आ सकते हैं फिर से, या फिर दोनों का रीयूनियन हो सकता है। दोनों के बीच में जो इतनी ज़्यादा रिफ्ट पैदा हुआ था, अब वो ख़त्म होने की जो उम्मीदें हैं ना, अब वो ख़त्म होती जा रही हैं बेसिकली। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, मतलब सुमान के फैंस के लिए तो बहुत ज़्यादा दुख की बात है, बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कि झटका लगा है सुमान के फैंस को, क्योंकि बड़े बड़े जो इवेंट्स गए हैं वहाँ पर, जहाँ पे उम्मीदें थी कि इन इवेंट्स में शायद से फमान खान और सुम्बुल के बीच में बातचीत हो जाए फिर से शुरू, क्योंकि दोनों की इतनी अच्छी दोस्ती रही है। इनफैक्ट फैंस ने तो दोनों की जो दोस्ती है उसको मोर देन फ्रेंडशिप का भी टैग दिया है, इतनी ज़्यादा अच्छे लगते हैं साथ में दोनों, और दोनों की जोड़ी बहुत कमाल की थी, पसंद की जाती थी बहुत। बट अभी रिसेंटली जो सुम्बुल के रिएक्शंस आए हैं फमान खान को लेकर, या फिर जो रिसेंटली के जो इवेंट्स हुए हैं, अब उससे देखिए साफ जाहिर हो रहा है कि कुछ ना कुछ अब ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिससे पता चल रहा है कि अब दोनों के बीच में दोनों का वापस आना मुश्किल लग रहा है। अब शोभित है मेरे साथ इस पर बात करने के लिए, हम डेफिनेटली बात करते हैं कि क्या क्या वो ऐसे इवेंट रहे हैं जहां पर सुम्बुल और फमान के बीच जब ऐसा लग रहा था कि शायद ठीक हो सकता है लेकिन वो नहीं हुआ। अभी रिसेंटली जो अभी आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा बनी हुई है जिस पर, और जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, वो है फमान खान का बर्थडे, जो कि अभी 4 तारीख को सेलिब्रेट किया उन्होंने अपनी पूरी धर्मपत्नी सीरियल की स्टारकास्ट के साथ। बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया उन्होंने, उनको लगभग हर किसी ने विश किया, उनके जितने भी क्लोज फ्रेंड्स थे, उनके जितने भी फ्रेंड्स रहे हैं इंडस्ट्री से पहले, उनके जो जितने भी को एक्टर्स रहे हैं, को स्टार्स रहे हैं, सब ने उनको विश किया। लेकिन सुम्बुल तौकीर खान, जिनकी विश के लिए फैंस बड़ा ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, सुमान के फैंस हों चाहे सुम्बुल के फैंस हों, फमान के फैंस हों, वो उनके विश का इतना ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा था, लेकिन फमान खान को विश नहीं किया सुम्बुल ने। शोभित क्या कहेंगे इस पर? आई थिंक कि ये कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पर आपको एक्सपेक्ट होता है कि आप रोज़ तो आप बात नहीं कर पाते हो, या आप कैचअप नहीं कर पाते हो अपने दोस्तों के साथ। आपके प्रोजेक्ट्स अलग अलग होते हैं, आपका यू नो कमिटमेंट्स अलग अलग होते हैं, तो कहीं कुछ अनबन हो गई होती है, तो यू नो आप एक ऐसे इवेंट का वेट कर रहे हो, तो बी इट बर्थडेज, बी इट मैरिजेस, बी इट सम यू नो काइंड ऑफ सक्सेस पार्टीज, जहाँ पर आप एक दूसरे की सेलिब्रेशंस और एक दूसरे के हैप्पी मोमेंट्स इन द लाइफ जो होते हैं, उन्हें आप सेलिब्रेट करने के लिए, साथ में उन्हें यू नो चेरिश करने के लिए आप साथ में आते हो। तो हम जब देखते हैं कि यू नो हम अपने किसी के साथ जो अनबन हुई है, हम उनके बर्थडे को विश नहीं कर रहे हैं, या फिर यू नो हम उनके बर्थडे पे अपीयरेंसेस नहीं हुई हैं, तो एक बहुत बड़ा क्लू है कि डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, जहाँ पे आप शायद साथ में खुशियाँ भी नहीं बांट सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये इससे यही बात पता चलती है कि जब उनका बर्थडे था तो उन्होंने अपनी ना वॉल पे कुछ बर्थडे विश का यू नो वीडियो लगाया, ना ही कोई पिक्चर लगाई, ना ही कोई स्टोरी लगाई। तो वो एक चीज़ है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से, जहाँ आजकल तो बहुत लोग कनेक्टेड हो जाते हैं चाहे वो कितना भी बिजी क्यों ना हो अपनी लाइफ में, पर जब ये भी नहीं हो पाया,
तो ये इससे यही बात पता चलती है कि हम अपनी लाइफ में उस इंसान के टाइम निकालना ही नहीं चाह रहे हैं। निकाल पाना एक अलग बात है और निकालना नहीं एक अलग बात है। जब आप अब नहीं निकाल पाते हो ना, तब ये हो जाता है कि आप शायद उस रिलेशनशिप को आगे कैरी फॉरवर्ड करना ही नहीं चाहते हो, या आप उसे निभाना नहीं चाहते हो, या फिर पास्ट में जो भी कुछ हुआ है आप उसको मेंड नहीं करना चाहते हो। सीधी बात ये है। और अगर ऐसा है तो फिर सुमान हैशटैग का भी आई थिंक ये एंड ही है, और ना ही सुम्बुल उसे आगे लेकर जाना चाहती हैं, और आई डोंट थिंक सो कि इसके बाद फमान भी, बिल्कुल फमान भी खुश हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, वो भी बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को वैसे ही जी रहे हैं जैसा वो जीते आए हैं अब तक। मतलब बहुत ज़्यादा कोशिशें हालांकि फमान खान की तरफ से की गई सुम्बुल को मनाने की, या फिर सुम्बुल से फिर से बातचीत शुरू करने की, बहुत सारी ऐसी कोशिशें रही फमान की तरफ से, लेकिन अब ऐसा नज़र आ रहा है कि फमान खान ने भी अब डिसाइड कर लिया है कि मतलब उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि चलिए अब सुम्बुल के साथ उनके जो टर्म्स हैं और जो बॉन्डिंग है वो पहले जैसी अब नहीं हो पाएगी शायद से। कमाल की बात तो एक्चुअली ये है शोभित की सुम्बुल ने, ऐसा नहीं है कि उनके पास थोड़ा भी टाइम नहीं है, मतलब डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बिजी हैं वो अपने शो काव्य के शूट के लिए। अभी तो फिलहाल वो लखनऊ में भी गई हैं शूटिंग करने के लिए सीरियल काव्य की अपने पूरे एक्टर्स के साथ, स्टारकास्ट के साथ, लेकिन वो बाकी सब की विशेज वो कर रही हैं, बाकी सबको वो बर्थडे विश कर रही हैं, बाकी सबके लिए वो स्टोरीज पोस्ट कर रही हैं उनके, चाहे इमली के पहले के को एक्टर्स रहे हों उनके पहले सीरियल के, या फिर उनके फ्रेंड्स रहे हों, सबके लिए जो है सुम्बुल डेफिनेटली अलग से विश कर रही हैं सबको सोशल मीडिया पर, और डेफिनेटली पर्सनली भी कर रही हैं। लेकिन अब बात वही आ जाती है ना कि एक जो जैसा कि आपने कहा कि एक तो होता है कि अगर आपके पास टाइम ही नहीं है, जेन्युइनली आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, फ़ोन भी यूज़ करने का आपके पास समय नहीं होता है, तो देखिए वहाँ पर माना जाता है कि चलिए आपने शायद से पर्सनली विश कर दिया होगा, आपने शायद पर्सनली टेक्स्ट मैसेज कर दिया होगा, या फिर आपने पर्सनली कॉल कर लिया होगा एक मिनट के लिए, दो मिनट के लिए, तो हो सकता है शायद वो सुम्बुल ने किया हो। लेकिन यहाँ पर जो बात है वो ये नहीं है, यहाँ पर जो चीज़ है वो ये है कि सुम्बुल जो है अपने बिजी शेड्यूल में से उतना टाइम निकाल पा रही हैं कि वो अपने फ्रेंड्स को विश करें बर्थडे, लेकिन फमान खान को उन्होंने डेलिब्रेटली विश नहीं किया है। और उसके पीछे का कारण जो है वो साफ है कि सुम्बुल नहीं चाहती हैं फमान खान के साथ उनके टर्म्स जो हैं वो पहले जैसे हों। बेसिकली वो पूरी तरीके से फमान को इग्नोर करना चाहती हैं। हालांकि अब इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है शोभित कि अभी भी ये लोग एक दूसरे को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, मतलब अभी भी जो दोनों की अगर आप फॉलोइंग लिस्ट में देखोगे तो फमान सुम्बुल को फॉलो करते हैं, सुम्बुल फमान को फॉलो करती हैं, लेकिन अब दोनों के बीच में बातचीत जो है वो एकदम ज़ीरो हो चुकी है दोनों के बीच में। अब बहुत सारे ऐसे फैंस के कमेंट्स भी मैंने पढ़े जो कह रहे थे कि क्या पता उन्होंने पर्सनली विश कर दिया होगा फमान को, या फिर आप कैसे कह सकते हो कि पर्सनली उन्होंने विश नहीं किया है, क्या पता वो कर दिया होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो सोशल मीडिया पर उसको फ्लॉन्ट करें कि मैंने फमान को विश किया है या मैं फमान को विश कर रही हूँ। तो बहुत सारे फैंस के ऐसे भी कॉमेंट्स आए हैं, लेकिन पर्सनली अगर सुम्बुल ने विश किया होता तो पहली बात तो उस बात की जो खबर है वो पहुंच गई होती कि पर्सनली विश किया है या फिर पर्सनली जो है वो टेक्स्ट किया है फमान को सुम्बुल ने, तो पहली बात तो वो सोर्सेज के थ्रू हमें पता चल ही जाता है अगर कुछ ऐसी बात होती है तो, या पर्सनली अगर कुछ किया होता है विश या फिर कुछ, तो देखिए पहला तो ये होता कि पता चलता। दूसरा अगर वो पर्सनली विश कर रही हैं तो फिर डेफिनेटली स्टोरी लगाने में भी मुझे नहीं लगता उनको कोई दिक्कत होनी चाहिए उसमें, तो फिर वो स्टोरी भी पोस्ट कर सकती हैं। अब दूसरे फ्रेंड्स के लिए तो वो स्टोरीज पोस्ट कर ही रही हैं, तो आप ऐसा भी नहीं कह सकते हो कि उनके पास टाइम नहीं है इसलिए शायद उन्होंने पर्सनली विश किया है। तो अगर वो दूसरे फ्रेंड्स के लिए बर्थडे विश कर रही हैं तो फमान खान को भी वो आसानी से विश कर सकती थी। इनफैक्ट अगर सुम्बुल ने नहीं विश किया है तो सुम्बुल की टीम की तरफ से, जो सुम्बुल की ऑफिशियल टीम है ट्विटर पर, देखिए वो हर किसी को बर्थडे विश करते हैं, जैसे तेजस्वी प्रकाश का जब बर्थडे था तब तेजस्वी को विश किया, प्रियंका चाहर चौधरी के बर्थडे पर प्रियंका को विश किया था सुम्बुल की ऑफिशियल टीम की तरफ से, लेकिन फमान खान के बर्थडे पर, अभी हाल ही में प्रविष्ट मिश्रा का जब बर्थडे था सुम्बुल के बहुत अच्छे फ्रेंड का, तो सुम्बुल ने तो विश किया ही था,
साथ ही साथ उनकी टीम की तरफ से भी बहुत अच्छे से विश किया गया था प्रवीश को, लेकिन अब फमान खान को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया गया इस पूरे सिनेरियो में। और आई थिंक उसके पीछे का कारण साफ है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सुम्बुल नहीं चाहती हैं अब फमान खान जो हैं वो बिल्कुल उनके साथ बिल्कुल भी फमान खान की बातचीत हो। एंड आई थिंक क्या लगता है आपको, मुझे लगता है कि ठीक भी है, मतलब आप अगर नहीं चाहते हो किसी के साथ बात करना, या फिर अगर आप नहीं चाहते हो कि आप फिर से चीज़ें जो है वो पहले जैसी करिए, नॉर्मल करिए, तो आई थिंक दैट्स फाइन। हर किसी को अपने अपना राइट होता है अपनी लाइफ में डिसाइड करने का कि उनको क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए लाइफ में। आई थिंक देखिए, हम साथ में रहते हैं, हम दोस्त होते हैं, आम जिंदगी में भी हमारी खिटपिट हो जाती है अपने दोस्तों से, ठीक है, मना लिया जाता है, फिर से हम साथ में दिखने लगते हैं, पेरेंट्स से साथ में पार्टी करना या फिर सेलिब्रेशंस करना या फिर आउटिंग्स पे जाना, ये सब चीज़ें, तो वो डिपेंड करता है कि आपके बीच में जो अनबन हुई है वो बात कितनी ज़्यादा इफेक्ट कर गई किसी और को। जैसे कि आपने बोला कि फमान ने बहुत मनाने की कोशिश भी करी, काफ़ी एफर्ट्स डाले, ठीक है, और अब एक इंसान एफर्ट्स डालने के बाद समझ जाता है कि शायद एफर्ट्स डालने से अब कुछ होगा नहीं, क्योंकि अब शायद वो लेवल ही नहीं रह गया जहाँ पर हमारी कुछ पैचअप हो पाए। फिर इंसान देखता है कि सामने वाला एफर्ट कर रहा है, तो उस एफर्ट्स के रेसिप्रोकेशन में वो मान जाता है और फिर से सब कुछ मेंड हो जाता है और सब कुछ सही चलने लगता है। पर कई बार कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो आपको ज़्यादा घर कर जाती हैं और आप वो एफर्ट्स भी एक्चुअली उस चीज़ की भरपाई नहीं कर पाते। तो आप कह सकते हैं कि फमान ने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स देकर कोशिश करी कि वो उसे सॉल्व कर सकें और दोबारा से रीअपेयर हों साथ में। पर आप ये भी कह सकते हैं कि सुम्बुल के लिए वो बात बहुत बड़ी रही होंगी और आई थिंक वो ये एफर्ट्स उसे कवर अप नहीं कर सकते होंगे। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है, एक को बुरा लगा, एक ने मनाने की कोशिश करी, पहले ने नहीं मानने की कोशिश करी क्योंकि वो बात उसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी जिससे वो ज़्यादा अफेक्ट हो गई। और ये भी सही है कि आप जब साथ में काम कर रहे थे, आपकी फ्रेंडशिप साथ में थी, तो आपके फैंस आपको सराह रहे थे, आपके फैन फॉलोइंग थी, आपका फैन क्लब था, पर दोनों की एक पर्सनल जिंदगी भी है जहाँ पे उनके पर्सनल चॉइसेस हैं कि उन्हें उनके साथ लाइफ कैरी फॉरवर्ड करनी है, फ्रेंडशिप कैरी फॉरवर्ड करनी है नहीं करनी है, ठीक है, और वो उनका पर्सनल हक है, तो वो उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं अपनी लाइफ में। और अब दोनों अपने अपने प्रोजेक्ट्स पे बिजी हैं, जैसे कि उनका एक सीरियल आ रहा है सोनी टेलीविजन पे और फमान अपने सीरियल पे काम कर ही रहे हैं टीवी प्रोजेक्ट पे, तो दोनों अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हैं। आगे हम आगे उनको अपने सीरियल में नए एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ पेयर अप करते हुए देखेंगे, वहाँ पे एक अच्छा प्रोमिसिंग काम करेंगे जहाँ से उनका एक और फैन क्लब तैयार होगा। तो ये चीज़ें हैं और लाइफ का काम ही ये है और लाइफ का मतलब ये है कि जो हुआ है उसे पीछे छोड़ के हमें आगे बढ़ जाना है। अगर हम हैशटैग सुमान की बात करें तो अगर वो हैशटैग सही में ख़त्म हो रहा है, उसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो रही है, तो अब हमें उसे छोड़कर आगे बढ़ना है। और इंडिविजुअल जैसे हम सुम्बुल को प्यार देते थे और फमान को प्यार देते थे एज अ फैन, वैसे ही हम उनको इंडिविजुअल उनके काम के लिए जज करें और उनके काम के लिए उन्हें सराहें और उन्हें प्यार दें। और यही एक ट्रू फैन का काम होता है कि अपने स्टार के साथ जिनके वो फैन है उनके साथ वो जुड़े रहे। बिल्कुल, देखिए लाइफ लाइफ शो मस्ट गो ऑन, चाहे लाइफ में आपके कुछ भी हो जाए, क्योंकि आप हमेशा लाइफ को जैसे चाहते हो कि जाए वैसी जाती नहीं है, तो रियलिटी जो है वो बहुत अलग होती है और आपकी जो ख्वाहिशें होती हैं और जो आपकी एक्सपेक्टेशंस और आपकी चाहते होती हैं वो बहुत अलग होती हैं उससे। लाइफ जो है हमेशा आपको वही नहीं देता है जो आप चाहो। तो डेफिनेटली सुम्बुल के फैंस जो हैं, जैसा कि आपने कहा कि अगर आप किसी के फ़ैन हैं, रियल फ़ैन हैं, तो आपको नो मैटर व्हाट आपको सपोर्ट करना चाहिए अपने जिनके भी आप फ़ैन हो उसको। तो देखिए सुम्बुल के फैंस तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को सही समझते हैं कि सुम्बुल अगर नहीं बात करना चाहती हैं फमान से, और तो बहुत सही है एंड आई थिंक वो नॉर्मल भी है। अगर आप नहीं चाहते हो तो नहीं चाहते हो, और सुम्बुल के फैंस भी वही हैं, वहीं फमान के फैंस भी यही चाहते हैं कि जैसे फमान खान रहना चाहते हैं अपनी लाइफ में, या फिर जिनके साथ वो बात करना चाहते हैं, जिनके साथ वो दोस्ती रखना चाहते हैं, रिश्ता रखना चाहते हैं, वो रखें।
और अगर नहीं रखना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है, और आई थिंक होना भी ऐसा चाहिए। तो दोनों के फैंस अपनी अपनी जगह पर जो है वो बहुत सही हैं, और दोनों अपने अपने जो आइडल्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो सुमान के जो फैंस हैं उनके लिए थोड़ा सा झटका है, उनके लिए थोड़ा सा यू नो एक सेटबैक है। लेकिन इसमें ज़रा भी परेशानी वाली बात है नहीं एक्चुअली, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जो है अब सुम्बुल, जैसा कि आपने भी कहा कि सुम्बुल अब काम कर रही हैं, अलग को एक्टर्स हैं उनके। फमान खान जो है ऑलरेडी अपना शो पिछले एक साल से करते आ रहे हैं कृतिका के साथ और अदिति के साथ। तो देखिए अब उनके अपने अपने बॉन्डिंग्स हैं, इक्वेशंस हैं। अब देखिए हैशटैग्स जो हैं वो आगे भी काम करेंगे साथ में, नए बन जाएंगे। सुम्बुल का किसी और के साथ बन जाएगा, फमान का किसी और के साथ बन जाएगा, हो सकता है फ्यूचर में, यू नेवर नो, फ्यूचर में फिर से दोनों साथ में भी आ जाएं, दोनों की बातचीत होने लगे फिर से। लेकिन अभी रिसेंट के जो कुछ इवेंट्स रहे हैं वहाँ पर उम्मीदें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई थी, एक्सपेक्टेशंस हाई थी कि शायद से कुछ हो जाएगा, बट वो हुआ नहीं। इनफैक्ट रिसेंटली जब सुम्बुल को गिफ्ट में मिली थी कार, मारुति की तरफ से जो कार दी गई थी सुम्बुल को, तब भी मीडिया से बातचीत करते हुए जब फमान खान पर सवाल किया गया था सुम्बुल से, उनके म्यूज़िक वीडियो को लेकर जब सवाल किया गया था कि आपका फमान खान के साथ एक म्यूज़िक वीडियो आ रहा था उसका क्या रहा, क्योंकि जोड़ी आपकी बहुत पसंद की जाती है, फैंस बड़ा पसंद करते हैं आप दोनों को साथ में, तो सुम्बुल कन ने पहले तो इस जवाब पर उनका एक तो सबसे पहले बहुत ही फेस उतर गया था जब जैसे ही उन्होंने सवाल सुना। फिर उन्होंने कहा कि उनको कोई आइडिया नहीं है इस बारे में, और एक लाइन में, सिर्फ एक लाइन में कि उनको इस बारे में कुछ नहीं पता है, उन्होंने अपनी बात पूरी ख़त्म कर दी। मतलब वो फमान खान के ऊपर बात करना ही नहीं चाहती हैं, वो फमान के से रिलेटेड कोई भी सवाल होता है या अगर उनसे रिलेटेड कुछ भी होता है तो वो बिल्कुल बातचीत नहीं करना चाहती हैं। और फमान खान भी ऑन दी अदर हैंड जो हैं अब वो भी क्लियर हो चुके हैं इस बारे में कि उनको भी देखिए जिस हिसाब से वो जा रहे हैं, फमान खान भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए उनका शो हालांकि ऑफर होने जा रहा है लेकिन फैंस बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे उनको इस शो में, उनका जो कैरेक्टर है रवि रंधावा का शो में उसको बहुत प्यार मिला। इनफैक्ट वो टॉप 10 अगर फिक्शनल कैरेक्टर्स की बात करें तो रवि रंधावा का नाम भी उसमें आता है जो फमान खान प्ले कर रहे हैं अपने सीरियल धर्मपत्नी में। तो फमान खान भी अच्छा काम कर रहे हैं, सुम्बुल भी अच्छा काम कर ही रही हैं। तो देखिए दोनों को आई थिंक बहुत ही ज़्यादा हमें फ्री छोड़ देना चाहिए, एक दोनों को फ्रीडम दे देनी चाहिए, फैंस को भी इनफैक्ट, कि इनकी मर्जी होनी चाहिए, यू नो ये जिससे बात करना चाहें या फिर ये जिससे बात ना करना चाहें, उसमें कम्प्लीटली जो है किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। कि अगर कोई एडवाइस भी देता है, इनफैक्ट अगर आप बात करें तो इनके बहुत सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, जैसे सुम्बुल की जो बेस्ट फ्रेंड है उल्का गुप्ता, या फिर आप कह लीजिए मयूरी देशमुख जो फमान और सुम्बुल दोनों की बड़ी म्यूचुअल फ्रेंड है बहुत अच्छी। तो वो लोग भी समझते हैं कि अगर सुम्बुल और फमान को नहीं एक दूसरे से बातचीत करनी है, वो लोग भी फोर्स नहीं करते हैं कि नहीं, क्योंकि वो म्यूचुअल हैं तो वो ऐसा नहीं कहते हैं कि नहीं बातचीत करो। फमान के साथ एक अलग इक्वेशन है मयूरी का, और सुम्बुल के साथ अलग इक्वेशन है, तो दोनों को ही जो है वो बराबर का, मतलब यू नो जो दोनों का अपने अपने फ्रेंड्स के साथ इक्वेशन वैसा ही है, और इनके फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं इनके इक्वेशन की। अगर वो बातचीत नहीं करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स भी जो है वो उस बात को समझते हैं, और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है इस वे में कि वो नहीं फोर्सफुली यू नो कोई भी चीज़ करवाना चाहते हैं। और आई थिंक होना भी यही चाहिए कि आपको फोर्सफुली नहीं करवाना चाहिए कुछ भी, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप देखते हैं कि आपके बीच में वो बॉन्ड, आपने कोशिश भी कर ली है उस बॉन्ड को यू नो रिफर्बिश करने की और ये सारी चीज़ों की, बट फिर भी वो नहीं डेवलप हो पाया ऑर्गेनिकली, तो अगर आपके एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे कि आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स उसे डेवलप करने की कोशिश करते हैं तो वो बात पहले जैसी रह भी नहीं जाती है। दूसरा, वो काम हमें करना ही नहीं चाहिए जो हमें मन से यू नो आए नहीं, और अगर हम फोर्सफुली करते हैं तो वो भी लास्ट लॉन्ग नहीं करती। और जैसा कि आप देख, आपने ही कहा कि सुम्बुल को जब कार मिली थी मारुति की तरफ से, तब प्रेस ने उनसे क्वेश्चन पूछा फमान को लेकर, और वो
एक अपसेट सा उनका फेस एक्सप्रेशन आया और एक लाइन में उन्होंने उस चीज को खत्म कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वो उनके लिए खत्म हो ही गई है वो बात। और अब वो बात या वो सवाल जब मीडिया उनसे पूछती है या प्रेस उनसे पूछती है तो वो उन्हें अपसेट ही करती है, बिकॉज आई थिंक फ्रेंडशिप एक ऐसी चीज है जो हम करते हैं और बहुत दिल से करते हैं, और फिर उसके बाद जब वो हमारे साथ नहीं होता वो बंदा वो उस रिलेशनशिप में और वो फ्रेंडशिप एक खत्म हो जाती है, तो एक वो चीज़ होती है जो आपको लगता है कि जो आपके मोमेंट्स यू नो हैप्पी मोमेंट्स आपके फ्रेंडशिप के एक सपोर्ट सिस्टम जो आपका फ्रेंडशिप का होता है वो जब नहीं रहता और बार बार अगर आपको उसके बारे में पूछा जाए या उसके बारे में बात करी जाए तो आपको कहीं ना कहीं घर कर जाती है और आपको अपसेट कर ही देती है, क्योंकि अब वो फ्रेंड आपके साथ उस यू नो काइंड ऑफ एसोसिएशन में नहीं है। और ये भी सही है कि मूव ऑन करना लाइफ में, क्योंकि आपने जैसे कहा कि नया सीरियल नया प्रोजेक्ट नए फ्रेंड्स और नई रिलेशनशिप्स, जैसे हम लोगों को ये राइट है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ में अपने फ्रेंड्स से अगर मूव ऑन करना चाहते हैं और नए फ्रेंड्स बनाते हैं, वैसे ही सेलिब्रिटीज़ को भी ये राइट होना चाहिए। दो उनकी लाइफ थोड़ी पब्लिक होती है लेकिन एज अ ह्यूमन बींग अगर देखा जाए तो दे हैव ऑल द राइट टू मूव ऑन फ्रॉम अ बैड रिलेशनशिप और समवेयर वेयर देयर रिलेशनशिप इज नॉट being that valued or maybe वो carry forward नहीं करी जा सकती, तो it's completely fine if you can just move on and you can be good at your separate space, because it is always said, as it is rightly said, that two people who are good might not be destined to be together, but they are good at their own separate spaces. So I think with this thing it is very clear कि दो अच्छे लोग साथ में रहें ये जरूरी नहीं है, वो अलग अलग भी अच्छे से रह सकते हैं और अपने दोस्त और अपने रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। बात बिल्कुल बना सकते हैं रिलेशनशिप्स और दोस्ती जो है वो डेफिनेटली, क्योंकि दोस्ती तो देखिए दिल से की जाती है ना, मतलब जहाँ पर आपके दिलों में ही दूरियाँ आ जाएं, दिलों में ही फासले आ जाएं, तो वहाँ पर फिर से उस चीज़ को मेंटेन करना चलिए आप कर भी लीजिए, लेकिन फिर वो ज़्यादा लाइफ लॉन्ग नहीं चीज़ें चल पाती हैं। और डेफिनेटली ये भी समझोगे कि यू नो फैंस के लिए एक बड़ी बात होती है, क्योंकि ऑन स्क्रीन आपने साथ में देखा है, जोड़ी साथ में अच्छी लगती थी, बिग बॉस में एक सपोर्ट सिस्टम की तरह वो गए और उन्होंने सुम्बुल को सपोर्ट प्रोवाइड किया, और आप देखते हो तो आप उस चीज़ को बिलीव नहीं कर पाते हो कि जिन्हें आप एज अ यू नो पेयरिंग एक फैन क्लब है पेयर्ड कपल यू नो फैन क्लब, तो उसके लिए डेफिनेटली कह सकते हैं एक बड़ा झटका होगा। बट डेफिनेटली अगर हम किसी के फैन हैं या किसी कपल फैन क्लब के पार्ट हैं तो हमें ये बात भी समझनी चाहिए कि उनकी एक इंडिविजुअल लाइफ है और हमें उस लाइफ को वैल्यू और रिस्पेक्ट करना चाहिए एज अ फैन। बिल्कुल एज अ फैन हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। एक क्विकली जो है आपको ओवरलुक दे देता हूँ कि क्या कुछ इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, कहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई, क्योंकि जब बिग बॉस के घर में थी सुम्बुल तब फमान खान पहुँचे थे उनको सपोर्ट करने, और जैसे ही सुम्बुल ने फमान को देखा था मतलब वो एकदम भाग के दौड़ कर गई एकदम फमान के पास और उन्होंने गले लगा लिया फमान को, क्योंकि फमान खान के साथ उनकी जो बॉन्डिंग है ना वो अलग ही थी। मतलब ऐसा पापा तौकीर ने भी इनफैक्ट घर के अंदर कहा था जाने के बाद कि सुम्बुल यहाँ पे सभी जितने भी मेल कंटेस्टेंट्स हैं सबको फमान ही समझ रही हैं, वो ऐसा उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब लोग जो हैं वो फमान हैं। तो फमान खान का एग्जाम्पल जो है वो दिया जाता था जब बात होती थी सुम्बुल की मेल कंटेस्टेंट्स के साथ इक्वेशन और बॉन्डिंग की, जिस हिसाब से वो शिव के साथ रहती थी, जिस हिसाब से इनिशियली वो शालिन भनोत के साथ रहती थी, अंकित गुप्ता के साथ भी उनकी जो बॉन्डिंग थी वो बड़ी अच्छी, तो लोग जो हैं वो फमान खान के साथ कंपेयर करने लगे थे और ऐसा खुद उनके पापा ने भी बोला कि वो फमान खान समझ रही हैं सबको, तो उनकी बॉन्डिंग और उनकी इक्वेशन जो है ना वो अलग ही लेवल की थी। तो तब तक भी ठीक था जब तक वो घर के अंदर गए फमान अपने एक तो सीरियल को प्रमोट करने, दूसरा सुम्बुल को सपोर्ट देने, क्योंकि सुम्बुल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम पे शो में,
सुंबुल बहुत ही वीक पड़ चुकी थी, बहुत ज़्यादा एलिगेशन उन पर लगाए जा रहे थे उनके बिहेवियर को लेकर शालीन भनोत के साथ उनके मतलब सुंबुल एकदम लोएस्ट हो चुकी थी उस टाइम पे। और जब फमान खान ने एंट्री ली एक डेढ़ दिन के लिए तो सुंबुल की गेम जो है उधर से बहुत ही ज़्यादा पिकअप की। उसके बाद से सुंबुल की जो गेम है वो एकदम यू नो फोर्थ गियर पर पहुँच गई। तो बहुत सारे चेंजेस लेकर आए फमान खान सुंबुल की गेम में। उसके बाद जब सुंबुल बाहर निकली हैं तब भी फमान और सुंबुल ने मुलाकात की है, इनफैक्ट दो या तीन बार मुलाकात की है। उसके बाद होली पार्टी में दोनों साथ साथ नज़र आए, फिर उसके बाद एंटरटेनमेंट की रात के भी एक एपिसोड में सुंबुल और फमान ने जो दर्शकों को ऑडियंस को बड़ा एंटरटेन किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो इनका अपीयरेंस था वो लास्ट अपीयरेंस था साथ में। उसके बाद से अभी तक तो फिलहाल नज़र नहीं आए हैं। एंटरटेनमेंट की रात का वो जो एपिसोड था, जो दो एपिसोड्स आए हैं दोनों के साथ में, वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट अपीयरेंस था इनका। उसके बाद से दोनों साथ में पेपराजी के सामने कभी क्लिक नहीं हुए हैं, दोनों जो हैं बचते बचाते नज़र आए हैं इनफैक्ट एक दूसरे से। अवार्ड फंक्शंस में भी इनफैक्ट सुंबुल ने फमान पर बात नहीं की, फमान ने सुंबुल पर कोई बात नहीं की, तो बहुत ही ज़्यादा इग्नोरेंट जो है वो साफ साफ नज़र आ रहे हैं। अब शुरुआत हुई थी एक तस्वीर से जो सुंबुल और फमान की, फमान और सुंबुल के म्यूचुअल और बहुत ही अच्छे फ्रेंड तबिश ने डाल दिया था फमान और सुंबुल के एक तस्वीर को, जो कि सुंबुल के पापा को अच्छी नहीं लगी, जो कि सुंबुल के पापा को थोड़ी सी आपत्तिजनक लगी कि सुंबुल जो हैं वो फमान के साथ तस्वीर में मतलब एक तस्वीर थी जिसमें वो साथ में दोनों लेटे हुए नज़र आ रहे थे। हालांकि दोनों के बीच में फ्रेंडशिप से ज़्यादा बिल्कुल बढ़कर इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो वैसे ही दोस्ती में जो है वह दोनों साथ में लेटे हुए नज़र आ रहे थे। बस उन्हीं की तस्वीर जो है वो तबिश ने शेयर कर दिया था, क्योंकि तबिश का ही एक म्यूज़िक वीडियो आ रहा था जिसमें सुंबुल और फमान काम करने वाले थे साथ में। अब वो कह लीजिए आप उस सॉन्ग को प्रमोट करने के लिए पहले से ही, या फिर उस सॉन्ग को हाइप देने के लिए, उसका हाइप क्रिएट करने के लिए, तो एक तस्वीर तबिश की तरफ से अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया था जिसमें फमान और सुंबुल नज़र आ रहे थे, लेकिन वो पापा तौकीर को आपत्तिजनक लगी, थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने तबिश को तुरंत उस फोटो को डिलीट करने के लिए बोला वहाँ से, जो कि तबिश ने कर भी दी डिलीट। लेकिन वहाँ से ये जो पूरा कॉन्ट्रोवर्सी है, ये जो पूरा विवाद है, ये वहाँ से शुरू हो गया। उसके बाद बहुत सारी ऐसी खबरें छपी कि पापा तौकीर ने जो है वो सुंबुल को फमान से बात करने के लिए रोक दिया है, फमान खान से अब बिल्कुल बातचीत नहीं करेंगे सुंबुल, फमान खान जो हैं वो सुंबुल के घर जा रहे हैं लेकिन उनको घर के अंदर भी नहीं एंट्री दी जा रही है, सुंबुल उनके फ़ोन नहीं उठा रही हैं, उनके टेक्स्ट मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी मीडिया में खबरें छपी कि फमान और सुंबुल के बीच में ये सब चीज़ें हो रही हैं। तब तक एवरीथिंग वॉज मतलब सही था उससे तब तक भी, लेकिन फिर ऐसी खबर आई, खुद सुंबुल ने जो है अपने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि वो फमान खान के साथ जो उनका म्यूज़िक वीडियो आ रहा था वो फ़िलहाल नहीं आ रहा है। तो तबिश के म्यूज़िक वीडियो में जिसमें वो फमान के साथ नज़र आने वाली थी, वहाँ से सबसे पहले तो उस म्यूज़िक वीडियो से सुंबुल ने खुद को बैकआउट किया, वहाँ से उन्होंने बैकआउट किया उस म्यूज़िक वीडियो से, और इस बात की जानकारी भी दी कि वो उस म्यूज़िक वीडियो में फमान के साथ नज़र नहीं आने वाली हैं। फिर फमान खान का एक इंटरव्यू आया जिसने बहुत ही ज़्यादा इस कॉन्ट्रोवर्सी को और ज़्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि उस इंटरव्यू में फमान खान ने सुंबुल तौकीर खान के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए, उनके पापा पर खुलकर एलिगेशंस लगाए, खुलकर बात की कि उनके पापा ने उनसे बात नहीं करने दी सुंबुल की, और जब वो कॉल भी कर रहे हैं तो पिक नहीं करने दे रहे हैं उनके पापा सुंबुल को फ़ोन, बहुत सारी ऐसी एलिगेशंस लगाई कि सुंबुल के पापा ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं सुंबुल के ऊपर फमान से मिलने के लिए या फमान से बात करने के लिए। तो ये खुद फमान ने उस इंटरव्यू में बताया, उस इंटरव्यू में बोला। अब ऐसे क्लेम्स किए फमान खान ने कि मतलब रातों रात इस इंटरव्यू ने तहलका मचा दिया, सुमान के फैंस, सुंबुल के फैंस, फमान के फैंस, बहुत ज़्यादा सबके लिए एक शॉकिंग और सरप्राइजिंग था कि क्योंकि वो पहली बार था जब मीडिया के सामने पहली बार खुलकर जो है वो इन ये सब चीज़ें बाहर आ रही थी। तो जब ये चीज़ें हुई उसके बाद सुंबुल ने बहुत ज़्यादा दूरी बना ली फमान खान के साथ, हालांकि जो फमान खान की तरफ से एलिगेशंस लगाए गए उनको सुंबुल ने तो आगे फ्रंट में आके कभी क्लियर नहीं किया है
कि फामान खान ने जो भी एलिगेशन लगाए हैं उन पर जब भी पूछा गया सुम्बुल से, सुम्बुल ने कभी किसी पर जवाब नहीं दिया। हालांकि पापा तौकीर ने ज़रूर इन एलिगेशन पर जवाब दिया था। उनका कहना था कि ये बिल्कुल बिल्कुल बकवास बातें हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर वो नहीं चाहते कि फमान मिले सुम्बुल से, तो वो ना तो सुम्बुल को एंटरटेनमेंट की रात में भेजते फमान के साथ, ना तो वो होली पार्टी में भेजते, ना ही फिर बिग बॉस के बाद वो मुलाकात करने देते फमान को सुम्बुल के साथ। तो उन्होंने बेसलेस बताया था इन सभी एलिगेशंस को फमान खान की ओर से जो लगाए गए थे। लेकिन सुम्बुल ने इस पर कभी भी खुद से रिएक्ट नहीं किया शोबित, हमेशा उन्होंने इग्नोर किया फमान खान को, और आज तक वो चीज़ मेंटेन्ड है, उस चीज़ को मेंटेन कर रही हैं सुम्बुल तौकीर खान। और अब तो आई थिंक फमान खान भी, अब तो फमान खान भी सुम्बुल पर बातचीत नहीं करना चाहते हैं, और ना ही कभी करते हुए नज़र आते हैं वो। ये पूरा एपिसोड था बेसिकली, ये पूरा कंट्रोवर्सी जो है वो यहाँ से शुरू हुई थी, जो कि अब तक बरकरार है। लेकिन अब कमिंग बैक टू द करंट थिंग, अब दोनों के बीच में जो है लगभग जो है वो अब उम्मीदें जो है ना फैंस की, वो भी अब खत्म होती जा रही हैं। फाइनल जाते जाते क्या कहेंगे शोबित इस पूरे मामले को लेकर? आई थिंक मैं वही कहूँगा कि आप, आपके पास पूरा राइट है अपने दोस्त चुनने का। अपने दोस्तों को अगर आपको लगता है कि आपकी को एग्जिस्टेंस नहीं है साथ में, तो आपके पास पूरा राइट है कि आप उसको वहीं पे फ्लैश करके अपने उस रिलेशनशिप को अपने काम पे, अपने करियर पे फोकस करें। और कुछ चीज़ें जैसे कि मैं बोलता हूँ ऐसे नहीं होती कि आप उनकी माफ़ी दे सकें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप एक हद तक ही उन्हें मना सकते हैं। तो दोनों ने अपनी पार्ट्स प्ले किए, अपनी जो अपने उनके हिसाब से उन्हें सही लगता था, और दे आर ऑल्सो पब्लिक फिगर, तो दे अंडरस्टैंड कि उनकी एक कमिटमेंट उनके फैन से भी है। अगर आप इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो काम ही है जिनकी वजह से उन्हें सराहा जाता है, और उनके फैंस हैं और लोग उनसे कनेक्ट करते हैं। तो आई थिंक काम से बढ़कर कुछ नहीं है, और दोनों अपने अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। और जहां उन्हें लगा कि उनकी कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं थी, वहां उन्होंने उसे डिजॉल्व किया, और अब अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से वही मैं कहूँगा कि फैंस का काम ये है कि वो अपने स्टार को जिनके साथ वो बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, उनके काम के लिए उन्हें अप्रिशिएट करें, और जो हुआ फमान और सुम्बुल के बीच उसके लिए उन्हें जज ना करते हुए आगे अपना सपोर्ट और जो लव है उनके साथ मेंटेन रखें, और वैसे ही अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल, मतलब दोनों को इंडिविजुअली आप वैसे ही प्यार करते रहिए जैसे आप अभी तक उनको करते आए हैं, और दोनों जो हैं अपना अपनी जगह पर बहुत सही हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छा कर रहे हैं, काम के मामले में हो चाहे या फिर पर्सनल लाइफ में भी, दोनों अपनी अपनी जगह पर बहुत सही हैं। मतलब अगर सुम्बुल के पास पूरा हक है ये डिसाइड करने का कि वो किससे बातचीत करना चाहते हैं किससे नहीं, क्योंकि हो सकता है ना, जैसे आपने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हो सकता है वो बात जो है वो फमान खान के लिए ज़्यादा बड़ी ना हो, लेकिन सुम्बुल के लिए वो बात बड़ी थी। सुम्बुल के लिए वो बहुत ही एक एक ऐसी बात थी जो उन्हें बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर गई। तो ऐसा ही होता है, वो पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी करती हैं चीज़ें। तो डेफिनेटली दोनों अपनी जगह पर सही हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पर रहने चाहिए आई थिंक वैसे ही, और फैंस का जो प्यार है वो दोनों को बराबर का वैसे ही मिलना चाहिए जैसे मिल रहा था अभी तक। बहरहाल इस पूरे वीडियो को लेकर क्या है आपका कहना, मतलब इनके जो फ्रेंडशिप रही है, जो इनके एक रोलर कोस्टर राइड रही है, और जो भी डिफरेंसेस रहे या जितनी भी चीज़ें रही इनके बीच, सबको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं।